सदर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत कराने वाले गैंग को पकड़ा है। गैंग के 7 शातिर सदस्य पकड़े गए हैं। गैंग के पास से दस्तावेज तैयार करने का सामान भी बरामद किया गया है। एसटीएफ और थाना सदर पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो अपने आप में बेहद शातिर है। शातिर इसलिए ये गैंग फर्जी दस्तावेज तैयार करता था और जमानत करवाता था। अश्वनी कुमार, मेहराज हुसैन, उमा शंकर उर्फ बंटी, प्रहलाद कुमार, मैंग गुप्ता, सुनील कुमार, मोहित गुप्ता, ये वो 7 खिलाड़ी हैं जो फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। फर्जी दस्तावेज तैयार कर ये 7 खिलाड़ी जमानत कराया करते थे। इन 7 को थाना सदर पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। मिसलेट आगरा में कुछ अभियुक्तों द्वारा फर्जी जमानत प्राप्त करने और एक गैंग द्वारा अभियुक्तों का अपराधियों का फर्जी जमानत कराए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ आगरा यूनिट और थाना सदर बाजार की टीम द्वारा प्रयास किया गया और इसमें 23 अप्रैल 2024 को 7 अभियुक्तों को इसके संबंध में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 129 कूटरचित आधार कार्ड, 24 कूटरचित मोहर, 35 वर्क विभिन्न प्रकार के फर्जी रजिस्ट्रेशन और बीमा संबंधी दस्तावेज, 49 ऐसे आख्या जो जमानत के लिए इनके द्वारा पूर्व में जमानत कराया गया हो, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 2 बाइक और 26,000 रुपये लगभग नगद इनके पास से बरामद हुआ है। ऐसा बताया गया है ये 7 काफी समय से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत के गोरख धंधे में लगे हुए थे। इसके अलावा अन्य कामों में भी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। इन 7 के पास से 129 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, 24 मोहर बरामद की गई है, प्रिंटर बरामद किए गए हैं, लैपटॉप बरामद किए गए हैं और 26,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये 30 से 40 हज़ार रुपये लेकर के किसी भी अभियुक्त का फर्जी जमानतदार तैयार करके, उनके पेपर तैयार करके जमानत लेने में उनकी मदद करते थे। इसके संबंध में थाना सदर बाजार में आज अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इन 7 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है तथा इनसे पूछताछ में कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सदर पुलिस और एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता है। दरअसल आगरा पुलिस लगातार ऐसे लोगों की तलाश में है जो फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत करा लेते हैं। ऐसा बताया गया है ये गैंग लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस और एसटीएफ की टीम अब इस बात का पता लगाने में जुटी है ये गैंग अब तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किन किन लोगों की और कितने लोगों की जमानत करा चुका है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।